डिस्कशंस में भी अपनी आवाज उठाएं। भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का तिवारी आपके साथ नव भारत से। और जैसा कि 8 मार्च को विमेंस डे है, उसी के उपलक्ष में नव भारत ने एक विमेन के लिए कैंपेन लॉन्च की है, विच इज सुपर वुमन कैंपेन। दिस इज अ कैंपेन फॉर विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए कैंपेन है। और आज हमारे साथ एक सुपर वुमन जुड़ी है जिनका नाम संस्कृति शंकर। शी इज अ साउंड इंजीनियर बाय प्रोफेशन। एंड मैम, मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम नव भारत के साथ इस मौके पे जुड़ पाए जहां हम सभी महिलाओं के बारे में बात करेंगे। और मैं नव भारत को बधाई देना चाहती हूँ एक इतने प्यारे इवेंट के लिए, इतनी प्यारी सोच के लिए जो आप हम सभी रीडर्स के सामने लाने वाले हैं। हमारा नाम संस्कृति शंकर है, पैदाइश हमारी प्रयागराज से हुई है, अब हम बंबई में रहते हैं। जैसा कि आप सबको अनुष्का ने बताया, हम साउंड इंजीनियर हैं और उसके साथ हम एक कलाकार हैं जहां हम अपने गाने गाते हैं, गाने बनाते हैं, गाने लिखते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश उस विषय में चल रही है और उसके साथ साथ हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं जहाँ हम अपने मन की बातें कहते हैं, जहाँ हम भी महिलाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उन तक हम जितना पहुंच पाए, उन्हें अपनी बातों से जितना एम्पावर कर पाए, हमारी भी कोशिश कुछ नव भारत जैसी ही रहती है। तो थैंक यू सो मच संस्कृति। मैं चाहूंगी मैम कि आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि जर्नी जो है आपकी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आपको फील हुआ कि नहीं मुझे साउंड इंजीनियर बनना है या मुझे इस क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मुझे इस म्यूजिक की फील्ड में जाना है। तो कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपको एक वो बोलते हैं ना ब्रेक थ्रू मिला कि नहीं मुझे ये करना है लाइफ में, तो वो कैसे हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। इनफैक्ट जब हम 4 साल के छोटे से बच्चे थे, इनफैक्ट जब उससे भी छोटे थे, हमारी मम्मा हमें बताती हैं कि हम गाना सुन के रोना बंद कर देते थे। और वो जब हम उनके पेट में भी थे तो उन्होंने हमारे लिए बड़े गाने गाए हैं, लता जी से लेके किशोर साहब से लेके आडी बर्मन, सब तो हमने माँ के पेट में ही सुना है। तो जब हमारे मम्मा पापा ने ये हमारे अंदर एक बात देखी कि हमारा कैसे हम शांत हो जाते हैं, कुछ मन को शांति मिलती है, और एक बच्चा जो बहुत ही प्योर होता है, बहुत जेन्युइन होता है, वो इमोशन माँ बाप ने पकड़ा। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, उन्होंने देखा कि कैसे संगीत से हमें प्रेरणा मिलती है, हम आगे बढ़ पाते हैं, हम सोच पाते हैं खुल के, उससे कुछ अंदरूनी एक कनेक्शन हम उससे समझते हैं। तो हमारे माता पिता ने हमारा बहुत सहयोग किया और बहुत ही छोटी उम्र से हमने कीज बजाना सबसे पहले शुरू किया। हमको याद है हम सिर्फ 4 साल के थे एंड बचपन से ही ये था कि आप संगीत में जाना चाहें तो जरूर जाएं। ये हम बहुत हमारे माँ बाप ने हमारा बहुत सहयोग किया। और 12वीं के बाद भी जब हमने आगे संगीत में पढ़ाई मांगी और हमने कहा हम ये साउंड इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो माँ बाप हंस के बोले कि साउंड इंजीनियरिंग होती क्या है। तो हमने उनको सुनाया, जी हमने उनको बताया कि जैसे हर प्रकार के इंजीनियर होते हैं, उसी प्रकार के साउंड इंजीनियर भी होते हैं। और फ्रॉम आर्किटेक्चर टू साउंड, उसको बदलना कैसे है, निकालना कैसे है, किसी इंसान तक पहुंचना कैसे है, वो उसे क्या महसूस करा सकती है, ये सब चीजें हम साउंड इंजीनियरिंग में सीखते हैं। और उस जर्नी ने मेरी मेरे विश्वास को और ज्यादा पक्का किया कि म्यूजिक और संगीत एक ऐसी एनर्जी है जो हम अभी समझ नहीं सकते। क्यों मंदिर में भी भजन बजते हैं, क्यों हम घंटे का प्रयोग करते हैं, क्यों दरगाह में संगीत होता है, क्यों हर रिलीजन संगीत फॉलो करता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें समझने की और ज्यादा जानने की जरूरत है। तो वो उत्सुकता, वो चाह हमारे अंदर अभी तक जारी है एंड इसीलिए हमने ये क्रिएटिव फील्ड चुनी। जी, तो संस्कृति, जैसे कि हम पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया एजुकेट होने में, कहीं ना कहीं हमारा समाज लड़कियों की पढ़ाई को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? देखा जाए अनुष्का, तो जवाब बहुत आसान है इस बात का, क्योंकि जब एक औरत पढ़ती है, जब एक औरत
किसी चीज पे सवाल उठाती है, जब एक औरत अपना दायरा बढ़ाती है तो समाज को दिक्कत होती है। जो हमारी पारंपरिक परिवार हैं, जो अभी भी किसी परंपरा पे जीते हैं कि औरत को घर में होना चाहिए, सिर्फ रसोई में होना चाहिए, तो सबसे आसान बात है कि वो सवाल ना करे। सवाल कैसे ना करे, उसे किसी भी तरीके की प्रेरणा मत दो, शिक्षा मत दो, उसे सवाल करने का हक ही मत दो। तो जब जब शिक्षा की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग अभी भी उस परंपरा में जी रहे हैं जहां उन्हें डर लगता है एक महिला के सवाल करने से, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये समाज वो जवाब देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल जी। संस्कृति, जैसा कि आपने कहा कि आपने भी एक छोटी सी मुहिम चलाई हुई है, जिसका मुझे भी थोड़ा सा पता चला था कि आप जो है विमेन रन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो है उनको काफी सपोर्ट कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जिस्ट जो है हमारे दर्शकों को आप दें। जरूर, और मैं इनफैक्ट ये बात हम बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि कोरोना में ऐसा हुआ जहां स्मॉल बिजनेसेस सबसे ज्यादा, स्मॉल बिजनेस का मतलब सबसे पहले तो हम बताएंगे एक छोटा व्यापार जहां एक इंसान अकेला सारी मेहनत करता है, जहां इन्वेस्टमेंट उसी इंसान का है, जहां वो अपना सारा सारा पैसा सारा कार्य खुद करता है और उसके आगे अपने सामान को बेचने की कोशिश करता है। तो उस हिसाब से बहुत सारी महिला व्यापारी हैं जिन्होंने कदम लिया है इंडस्ट्री में, और चाहे आर्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पढ़ाई की बातें हो, चाहे वो क्रिएटिविटी की बातें हो, चाहे वो बहुत बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई की ही क्यों ना बातें हों, औरतें खुद को आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ देखना चाह रही है। और कोरोना ने ये बहुत मैं तो ये भी कहूंगी कि अब हमारे पास इंटरनेट जैसी सुविधा है जहां हम घर बैठे सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, और कोरोना में जैसा कि हम सब जानते हैं सभी ने इंटरनेट पे बहुत ध्यान दिया है, सबके पास वो रीच है। तो जहां औरतों का स्मॉल बिजनेस है, जहां औरतें व्यापारी हैं, हमें लगता है अगर उन्हें थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी सहयोग मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले, उन्हें उन्हें अप्रिसिएशन मिले, इनकरेजमेंट मिले, वो एज एन औरत खुद हम जानते हैं कितना जरूरी होता है, और इसलिए वो थोड़ी सी हमारी कोशिश रहती है कि हम उनके लिए कर पाए। जो भी ऑडियंस थोड़ी बहुत हमने अपनी कला से कमाई है वो हम उनसे शेयर करने की जरूर कोशिश करते हैं। जी जी। संस्कृति, जैसा कि बहुत अभी दो बार तीन बार हमारे सवाल हुए जिसमें बहुत कॉन्वर्सेशन में एक चीज बहुत सामने आ रही है कि औरत की आवाज से बहुत डर लगता है। मैंने आपकी बायो में भी पढ़ा था संस्कृति कि आई हैव अ वॉइस, डज दैट स्केयर यू? तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगी, क्या क्यों आपको ऐसा लगता है कि औरत के पास आवाज होने से लोग डर जाते हैं, क्या ऐसी चीज है? मुझे ऐसा लगता है इतने इतने वर्षों से जिसे आसानी से दबा दिया गया हो, अगर हम जानवरों की भी बात करें तो जानवर की एक माँ होती है जो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, एक माँ होती है जो बहुत सारे काम करती है गर्भवती के दौरान भी, जानवरों में भी अगर हम देखें तो एक माँ होती है जो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। ये बात मैं कहना चाहती हूँ, ये शक्ति तो हमें दे के रखी है ऊपर वाले ने, ये शक्ति ऑलरेडी हमारे पास है। बीइंग अ महिला हम जानते हैं ये ताकत मेरे पास है। उसके अलावा उसके आगे अगर हम बढ़ें और उसके आगे अगर हम परिवार की आर्थिक स्थिति में बात करने लगें, और लोगों को शायद ये भी पता हो कि हम सही बात कर रहे हैं, लेकिन बात एक औरत के मुंह से आए ये लोगों को पचती नहीं है। एक आसान सही बात भी, बात एक औरत के मुंह से आ रही जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं, वो क्यों हमारे सामने बोल रही है? इतने वर्षों से दबा के रखा है तो अब क्यों बोल रही है? अब अपने बारे में क्यों जानती है? अब अपनी स्वतंत्रता क्यों मांग रही है? या अब अपनी आवाज क्यों उठा रही है? तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है उन लोगों में जिनको औरत के मुंह से शायद एक लॉजिकल बात सुनना पसंद ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो संस्कृति, कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं कि एक औरत का कहा हुआ कहीं ना कहीं कभी ना कभी कंट्रोवर्शियल हो जाता है या एक लड़ाई का कहें साधन बनता है। कहीं ना कहीं ये भी कहते कुछ लोग, एक वर्ग लोगों का ये कहता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो एक स्त्री के कारण हुआ था। तो ये सब चीजें भी सामने आती हैं। तो कई बार अब जैसे एक औरत कोई पढ़ी लिखी है, अगर उसको ये बोल दिया जाता है शादी के बाद कि
नहीं आप जो है अब आप जॉब छोड़ दीजिए, आप अपना काम छोड़ दीजिए, आप बच्चे कीजिए, पति संभालिए, इस पे आप कैसे सशक्त करना चाहेंगी महिलाओं को, क्या बोलना चाहेंगी उन महिलाओं से? मेरा ऐसा बहुत कठोर मानना है कि अगर हम औरतें अपने बेटों को सही तरीके से पाल सके, सही तरीके से बड़ा कर सके, तो यहाँ पे एक ऐसी बदलाव है जो हम ओवर द नेक्स्ट 1 decade, 10 सालों में हम देख पाएंगे। हम औरतों को अपने लड़कों को समझाना बहुत जरूरी है। कुछ छोटी छोटी बातें, एज एज औरतें हम भी समझती नहीं है, लेकिन अपने लड़कों को कह देती है कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, जी अरे सही बात, लड़के के पास रोने का हक क्यों नहीं, या सिर्फ लड़का क्यों जो नाम आगे लेके जाएगा। सही बात है, तो एज महिलाएं हमें माओ के तौर पे भी और ज्यादा अपनी जगह पे स्थिर रहना है, माओ की तरह बच्चों को सब समझाना है, लड़कों को तो जी और भी ज्यादा सेंसिटिव बनाना है, उन्हें महिलाओं के बारे में बताना है कि वो किन किन चीजों से गुजरती हैं, एक महिला कितनी ताकतवर होती है, एक महिला कितना जी कार्य कर सकती है, एक महिला में कितनी क्षमता है। और बस अगर हमारे भाई अपनी बहनों को उनसे कम देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ही सही बदलाव जरूर आएगा। और फिर पति कहने लगेगा क्यों माँ वो बाहर जाके काम क्यों ना करे, और जब उस माँ ने अपने बेटे को खुद ये सिखाया होगा तो वो अपनी बहू को मना नहीं करेगी। तो जी मेरा बिल्कुल मेरा ये कहना है सारी महिलाओं से भी कि हमें ये भी देखना है अपने गृह में झांक के कि हम भी क्या गलत कर रहे हैं। जी। संस्कृति कहीं ना कहीं एक ऐसा, अभी दो टर्म्स भी चल रहे हैं कि फेमिनिज्म अलग होता है, सूडो फेमिनिज्म अलग होता है, और सूडो फेमिनिज्म ज्यादा हो रहा है। तो आपकी क्या परिभाषा है फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म की? जैसे आपने महाभारत की एक बात कही कि महाभारत छिड़ी गई थी औरत के वजह से, वैसे मुझे एक पुराने गाने की लाइन याद है, किशोर साहब का गाया हुआ गाना है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, इस जहां में तो सीता भी बदनाम हुई। जी तो मेरे बिल्कुल हिसाब से तो सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हमारे ग्रंथों में इस तरीके से औरतों पे सवाल उठाना बहुत आसान माना जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो फेमिनिज्म है जी इसको बहुत जल्दी ना मर्दों ने एक विक्टिम कार्ड बना दिया, बहुत जी आसान था, एक विक्टिम कार्ड बना दो कि अब ये औरत फेमिनिज्म के नाम पे पीरियड्स पे छुट्टी मांग रही है, अपनी बातें आगे ला रही है, कह रही है कि नहीं अगर मुझे पीरियड्स है तो मैं मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। अब फिर सवाल कर रही है क्यों कर रही जी है, अब उसी इस वक्त जी बच्चा नहीं करना, वो अपने काम के इतने समय बाद बच्चा करना चाहेगी, अब वो अपने काम की जगह भी मटर्निटी लीव मांग रही है। जी तो फेमिनिज्म को सूडो फेमिनिज्म का नाम दे दो, बहुत आसान है, कह दो इसके तो दिमाग में कुछ चल रहा है, ये तो बिना बात के उछलती है, सारी औरतों को जी बिना बात के उछलना है। अरे अगर हम नहीं उछलेंगे, अब नहीं उछलेंगे तो कब बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से सूडो फेमिनिज्म उन लोगों ने ये टर्म बनाया है जिनको फेमिनिज्म का ये फेज एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसा ऐसा जी हमें लगता है। जी जैसा कि संस्कृति आपने बात करी कि मैटर्निटी लीव की बात जो आई, उस पे से मेरा एक सवाल था संस्कृति, क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं सवाल आता है एज अ वर्किंग वूमन कि ठीक है मैटर्निटी लीव मिलती है, एक पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए, क्योंकि औरत अकेले तो पेरेंट नहीं बनी है, आदमी भी पेरेंट बना है, उसका हस्बैंड भी पेरेंट बना है, तो कहीं ना कहीं उसको उसके साथ की भी जरूरत है। उस पे आपका क्या कहना है? मैं आपसे एक एक शब्द पे अग्री करती हूँ उसका, बिकॉज ये जो चेंजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बातें, डिलीवरी रूम में अब इतने सालों बाद हमारे पति अलाउड होते हैं कि पति अंदर आके अपनी बीवी की तकलीफ देखते हैं तो शायद वो कुछ समझ पाए। जिस जमाने में हम पैदा हुए हैं 24-25 साल पहले, वहां तो वो भी नहीं होता था, माँ ने सब कुछ खुद किया है, और उसके 50 साल पहले तो औरत घर में पैदा बच्चा करती थी, तो जी हम कहाँ की ही बात करें। तो उस जी हिसाब से ये जैसा कि मैंने कहा, आदमी जब हम उनको अलाउ करेंगे, जब हम उन्हें सिखाएंगे कि आपको पत्थर दे, ये जो ईगो है ये नहीं आना है, आप एक इंसान हो, आपको सभी कुछ महसूस करना है, आपको दूसरों का भी दर्द देखना है, महसूस करना है, और उसे कमजोर नहीं समझना, उसे ये जी नहीं समझना इसकी जरूरत है क्योंकि ये कमजोर है, इससे मेरे इस इंसान को मेरे साथ से फर्क पड़ेगा, से उस मेरे सहयोग से उसकी जिंदगी बेहतर होगी, इस माइंडसेट से मर्दों को हमारे साथ जुड़ना है।
उसी माइंडसेट से बच्चे करने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से फैमिली प्लानिंग में औरत का हाथ क्या, औरत का से फाइनल से होना चाहिए। और महिलाओं, मैं आपको भी ये बात कहना चाहूंगी, किसी उम्र में आप शादी कर सकते हैं, लीगल एज के बाद आप अपना इंसान, अपना पति चुनने की, खुद चुनने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी आपको गुजारनी है, आप खुश होने चाहिए। और तीसरा, मैं ये बात बहुत ज्यादा मानती हूँ कि बच्चा आज की तकनीकियों के साथ बहुत आराम से 30-45 में भी हो सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा सिखाया जाता है कि हमारी बॉडी क्लॉक का क्या, 30-45 तक तो हम काम ही कर रहे होते हैं, उसके बाद अगर हम आगे सोचें, अगर फैमिली प्लानिंग सोचें, चीजें सोचें, उसके बाद भी आप ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि 9 महीने उस औरत को उन चीजों से गुजरना है, उस मर्द को, औरत को ही गुजरना है, पूरे बॉडी चेंजेस से जाना है, वेट गेन हो जाना है, उसके बाद नॉर्मल आना है। वो कोई 9 महीने दवाइयां नहीं ले सकती, बीमार नहीं पड़ सकती, इतना ज्यादा ध्यान रखना है। तो उस 9 महीने के पीरियड में मुझे लगता है हमारे पतियों का साथ हमें तब मिलेगा जब मर्दों को बचपन से महसूस करने का, करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। बहुत जरूरी है कि वो भी महसूस करें अपनी माँ का दर्द जब वो उन्हें पीरियड्स में देखें, उन्हें पता हो पीरियड्स क्या हैं एक सही उम्र पे, क्योंकि ये बातें नॉर्मल है। जी संस्कृति, आप एक बहुत ही सशक्त महिला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी, मतलब आपकी, मैं जानना चाहती हूँ आपकी इंस्पिरेशन क्या है। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है या क्या है। अगर मैं सच, बहुत ज्यादा सच बोलूं, तो मेरी इंस्पिरेशन जिंदगी है बहुत ज्यादा। ये छोटी सी बात कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे जीने का मौका मिला है, इस प्रेरणा के साथ मैं अपनी जिंदगी के साथ जरूर कुछ करना चाहती हूँ और मैं लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना स्वतंत्र बनाया है, इतनी बड़ी आवाज दी है कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊँ। लेकिन जिंदगी में ऐसे कई हेल्थ के साथ भी मैंने चीजें देखी हैं जहां मुझे लगा है कि जिंदगी अगर मिली है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कुछ करके जाने का। इस धरती पे बोझ बन के नहीं जीना, मुझे कुछ करना है। अगर इस धरती, धरती माँ कहते हैं, अगर धरती माँ का अनाज हम खाते हैं तो उस धरती माँ को कुछ वापस दे के जाना है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो वो जिंदगी, जिंदा होना, जीना, मेरी प्रेरणा ये है। संस्कृति, एक लास्ट मैसेज हमारे नव भारत के दर्शकों को, हमारे नव भारत की नारी दर्शकों के लिए कोई मैसेज आपके साइड से? मेरी बहुत ही प्यारी लड़कियां, महिलाएं, माताएं, सासू माएं, सभी 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 महिलाओं को सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और उसके साथ हमें अपने परिवारों में एक छोटा सा फर्क लाना है, जहां हमारा पूरा परिवार महिलाओं के लिए खड़ा हो, जहां हमारा पूरा परिवार महिलाओं को समझे, जहां महिलाएं सिर्फ खाने की टेबल पे खाना देने के लिए नहीं, खाने की टेबल पे साथ बैठ के फैमिली डिस्कशंस में भी अपनी आवाज उठाएं, बात करें, अपनी बात आगे रखें। तो मैं महिलाओं से ये बात जरूर कहना चाहूंगी, आज तक अगर मौका नहीं मिला तो अब मौका है। अब किसी ने आपको बता दिया है कि आप कर सकते हैं, तो जिसने भी आज तक आपको कहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपने इतने समय वो मान लिया है तो आज ये मान लीजिए कि आप कर सकते हैं और निडर होके सामना करिए, आगे आइए। भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां लोग आपको देखेंगे। सोशल मीडिया का पूरा फायदा उठाएं, अपनी बात को आगे रखें और घर में भी अपनी बात कहें, बहुत जरूरी है। घर से शुरू होना अपनी बात और समझ में आना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है अगले 10 साल का अगर हम प्लान देखें एज गर्ल्स, अगर हम मदर्स वाली एज में हैं जहां वी कैन बेयर अ चाइल्ड, एंड इफ अगर हम एक लड़का बेयर करें, तो आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लड़के को हमें अच्छे तरीके से पाल के बड़ा करना है। लड़की को ये नहीं कहना छोटी स्कर्ट मत पहनो,
लड़के को ये सिखाना है कि लड़की छोटी स्कर्ट पहने तो वो नॉर्मल बात है, वो नॉर्मल बात है। और एक और चीज जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जरूर कहना चाहूंगी, सारे स्कूल्स को एजुकेशन होने चाहिए। ये ऑल गर्ल्स और ऑल बॉयज जो इंग्लिश के जमाने से चलता आ रहा है, आई बिलीव पर्सनली ये एजुकेशन का कोई करेक्ट सिस्टम नहीं है, जहाँ सिर्फ लड़कियां एक दूसरे को देखें और सिर्फ लड़के एक दूसरे को देखें, और फिर 18 साल बाद जब हम जिंदगी में उतरते हैं, जब हम स्वतंत्र होते हैं, जब अपने माँ बाप से अलग होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता क्या करना है उन लोगों के साथ, क्योंकि कभी बात ही नहीं की होती। तो एक ये बदलाव हम जरूर चाहेंगे हमारे समाज में आए, जहाँ को एजुकेशन को ज्यादा व्यक्तित्व दिया जाए, जहाँ लोग ज्यादा को एजुकेशन की तरफ जाए। बिल्कुल बिल्कुल संस्कृति, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संस्कृति हमारे साथ जुड़ने का आपके इस कैंपेन के तहत, और बहुत आपको मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी, और आपको मैं हैप्पी वुमेन्स डे भी विश करना चाहूंगी। आई होप ये वुमेन्स डे कुछ और नया चेंज लेके आए हम सबकी जिंदगी में, हम सब औरतों की जिंदगी में, और हमें और सशक्त बनाए। तो ऐसे ही और बहुत सारी बधाई देना चाहेंगे, और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने मुझे एक सुपर वुमन जैसे टाइटल में यहाँ बुलाया, हमसे बात की, हम अपनी बात आगे रख पाए उन लोगों से जो आपसे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे दर्शकों, ऐसी सुपर वुमन से ऐसी उनकी कहानियां सुनते रहेंगे हम, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड एंड वॉच नव भारत। नमस्कार।